एससीएसटी वर्ग में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान था। इसके बाद अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हूँ और ये तस्वीरें आप देखिए, जो अलग अलग बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर एक एक तख्तियों की बात करें तो उसमें लिखा है एससीएसटी एकता जिंदाबाद, वोट हमारा राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुजन समाज ने ललकारा है भावी इतिहास हमारा है, भागीदारी कैसे मिलेगी आरक्षण से, आरक्षण से। इस तरीके के अलग अलग जो नारे हैं वो दिख रहे हैं। और भी अगर तथ्यों की बात करें उसमें लिखा है आरक्षण सत्ता के संतानों का लोकतांत्रिक करण करता है, फिर संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में। वही अगर दूसरे भाग की बात करें उसमें लिखा है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करो। वही बीएसपी को लाना है, लोकतंत्र बचाना है, इस तरीके के बैनर पोस्टर भी लोगों के हाथों में है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये पूरा जो हजरतगंज चौराहा है वहाँ की ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि यहाँ का जो प्रदर्शन है वो किस तरीके से बसपा के अलग अलग नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। पिछले दिनों जब ये आदेश आया था उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे इस ये जो फैसला है इसका विरोध करते हुए इसको वापस से कहीं ना कहीं एक बार वापस से इसमें सोचने की बात जो है वो कही थी। और ये कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से जो ये तस्वीर लखनऊ में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, ये अपने आप में तकरीबन एक दशक बाद पिछले समय 2016 के समय पे जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का एक मामला सामने आया था तब कहीं ना कहीं बसपा ने प्रदर्शन किया था। और उसके बाद तकरीबन 8 से 9 सालों बाद बसपा आज सड़कों पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। बसपा के कार्यकर्ता ऐसे ही अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बसपा से इतर भी जो आजाद समाज पार्टी है उसने भी इस बंद में अपना जो कहीं ना कहीं जो समर्थन है वो किया है। और इसी तरीके से जो तमाम एससीएसटी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, जो नेता हैं, पार्टियां हैं, उन्होंने इस बंद का समर्थन किया है। हालांकि पूरी तरीके से जो भारत बंद है या यूं कहा जाए जो दुकानें बंद होने की बात कही गई थी, जो रोड पर जो तमाम चीज़ें बंद होने की बात कही गई थी वो चीज़ें वैसे बंद नहीं दिख रही हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना शांतिपूर्ण तरीके से जो अपनी बात रखने की का जो कार्यक्रम है वो किया है। और फिलहाल जो बसपा का जो प्रदर्शन है वो जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।